वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पवनदीप कौर आप सारे व्यूअर्स का इंट्रैक्शन विद सिख वॉलेंटियर भी स्वागत करती हाँ। जिवें कि आप सारे जानते हो, साढ़े इस प्रोग्राम का मकसद वक्त-वक्त मुद्दों उत्ते विचार करना है। उस मकसद के तहत अज का प्रोग्राम लेके तुहाडे सन्मुख होए हाँ। गुरु वाक है, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणई, खसमो धक्के खाए। गुरु अमरदास जी पातशाह इस वाक दे अंदर नशेई मनुख की दशा बयान कर रहे हैं। गुरबाणी दे अंदर नशियां दी पुरजोर निंदा की गई है, क्योंकि नशे मनुखता लई घातक हैं। साडा अज दे प्रोग्राम का यही मकसद रहेगा कि मनुखता नू अध्यात्मिक अते समाजिक पदर उत्ते सुचेत किया जाए नशियां दे माड़े प्रभावों तों। अज दी डिस्कशन नू करन लई साडे सन्मान योग गैसट ने वीर धीरज सिंह जी, सिख स्कॉलर जो काफ़ी समय तो जम्मू कश्मीर की धरती उत्ते गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार कर रहे हैं। वीर जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी का साडे प्रोग्राम इंट्रैक्शन विद सिख वॉलेंटियर विद स्वागत है। जिवें कि मैं पहले अपने स्रोतियां नू दस चुकी हाँ कि अज का सबजैक्ट रहेगा नशे मनुखता के दुश्मन। अगर असी सिख समाज की गल करिए, सिख कौम वक्री सभ्याचार, वक्री विचारधारा और वक्री सोच की मालक है। गुरु नानक पातशाह जी ने ऐसा समाज सिरजिया सी जो नशे रहित समाज सी, पर अज जब असी समाज की हालत नू वेखते हाँ तो उस समाज की तस्वीर नज़र नहीं आती जो गुरु नानक पातशाह सिरज के गए सन। अज साडा नौजवान वर्ग जो है वह नशे के विच गलतान हो चुकिया है। मैं चाहवांगी कि नशियां दे उत्ते खुल के विचार करन तो पहला आपां नशे की परिभाषा नू समझ लईए, ते अगर नशे की परिभाषा करनी होवे तां किवें करांगे? देखो जी, तुहाडा सवाल बड़ा इस संदर्भ दे विच बड़ा पायदार है। जिस धर्म नू मैं मन वाला उस धर्म की व्याख्या करन दी मैनू कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा चेहरे मोहरे तो, मेरी पहनावे तो, मेरी शकल तो, जो मैनू गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की उस तो सहज ही पता लग जाता कि मैं किस धर्म का धारनी हूँ जी। गुरु नानक साहब जी की बाणी ने स्पष्ट तौर पर सानू इस नशे की परिभाषा दिता, इत मत पीते नानका बहुते खटिए विकार। ऐसे पदार्थ, ऐसी भावें तरल होए या किसी होर चीज़ होवे, जिहदे नाल विकारां दी पंड साडे नाल बनी जाए, उन्हां तर सारे ही पदार्थों नू वर्जिया गया गुरबाणी विच। इहदी समुचे तौर पर परिभाषा यह है, ऐसा कोई भी पदार्थ का सेवन करना जिसका मनुख आदि हो जाए या जिस दे नाल उहदे नाल विकारां दी पंड बनी जाए या उहदे नाल विकारां दे गलतान विच फस जाए, उसनू नशा कहा गया। और स्पष्ट तौर पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने इन्हां नशियां नू पुरजोर खंडन किया। किसी भी किस्म का नशा स्वाय प्रशादियां दे अमल तो, इस तो अलावा कोई भी नशा भावें वह किसी भी धर्म नू मनन वाला होवे, ना सिख होवे, किसी दूए धर्म नू मनन वाला होवे, उहदे लई बहुत वड्डा घातक साबित हुंदा है। नशे दे लई पूरी दी पूरी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिथे भी असीं पढ़ीए, इन्हां तों सिर्फ नाम दे नशे तों अलावा बाकी किसी नशे नू भी प्रवान नहीं कीता गया। नशे की मोटे तौर पर परिभाषा है जी। बिल्कुल वीर जी ने बड़े सोहने अल्फाजा राही गुरबाणी के आधार पर नशे की परिभाषा सानू दसी है। जेकर असी इसनू सरल अल्फाजा राही जानना होवे तां महान कोश के अंदर भाई कान सिंह नामा नशे की परिभाषा नू दसते ने कि ऐसा पदार्थ जो मनुख नू कोब लवे। कोब एक ऐसी अवस्था है जिस विच मनुख ना सही सोच सकता है ते ना ही सही काम कर सकता है। जेकर आपां इसनू अकैडमिक पदर उत्ते भी देखिए तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक वो लिखते ने, एन एक्टिविटी दैट परसन कैन नॉट स्टॉप डूइंग वंस ही हैज स्टार्टेड, कि ऐसा काम जो इंसान एक बार शुरू कर देवे ते बाद विच उसका आदि हो जाए। जेकर असी मनुखता की गल करिए मनुख सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमात्मा की बनाई हुई रचना के अंदर परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुख बनाया, क्योंकि मनुख नू धुरू तो ही बुद्धि हासिल हुई है और उससे बुद्धि नू विकसित करके उसने समाज में चंगे काम करने ने। पर अज साडे दिमाग उत्ते नशियां ने इतना प्रभाव छोड़िया कि असी दिमागी तौर पर पैरालाइज हो चुके हाँ।
अगर असीं नशे लगन दे कारणां नूं वेखीए तां की कारण ने, क्या ये सिर्फ शौक वजों कीते जा रहे ने या होर ऐसे कई कारण ने जिन्हां करके अज साडा यंगस्टर या होर इंसान जिहड़े ने उह नशियां दे विच गलतान हो रहे ने। देखो जिस तरह तुसीं आप ही दस्सिया कि जितनियां भी स्पीशीज संसार ते मौजूद हन उन्हां विच सब तों उत्तम जून मनुख दी मनी गई। मनुख दी इस करके मनी गई कि इहदे कोल सोचण दी पावर है, सोचण दी शक्ति है। भावें जितनियां भी स्पीशीज संसार ते आईआं वो अपने जीवन काल नूं अपने श्वासां दी पूंजी अनुसार गुजारदियां, पर मनुख दी एक जाति ऐसी है जो अपने दिमाग अनुसार वरत के इस नूं इस जीवन नूं गुजारदी है। पर जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे आधार गल करिए, इह सब तों अखीरली पौड़ी है। इस तों अगे असीं देखदे हाँ तो वह परमात्मा दा मिलाप है, तो जे इस तों पिछे देखदे हाँ तो वह जूनां दा गेड़ है। तो जे कदी मनुख इस पौड़ी ते भी आ के चूक जाए तो फिर की होंदा, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। हुण तुसीं जिहड़ी गल कीती कि होर की कारण सारे नशियां दी प्रमोशन नूं बड़ा आउंदा, सब तों वड्डा कारण इह है असीं नशेई नूं भावें माड़ा गिणदे होणे पर उहदे नाल नाल असीं अगर देखिए तो किते ना किते समाज वी दोषी है। असीं अगर सिख समाज की गल भी करिए, बाकी समाजां की गल ना भी करिए, सिख समाजों के विआह शादियों के कार्ड असीं पढ़िए ना, अज साढ़े कार्डों में गल लिखी आती है कि साढ़े घरों में काकटेल पार्टी भी है जी। सिख समाज को नशे तो रोकया गया, गुरबाणी ने इसका खंडन किया, पुरजोर इस गल की हमायत की कि नशा रहित समाज होना चाहिए। तो जे सिख समाजों के घर भी कार्डों पर लिखी यह गल आए तो इस तो वड्डी प्रमोशन सिख समाजों की की हुई। और दूजी वड्डी गल एक होर है समाज की जो असीं सुनते हाँ देखते हाँ, उस समाज में यह गल हुंदा कि साढ़े आम करके समाजों में प्रमोशन का एक बड़ा वड्डा कारण मनता है कि असी नशेई नूं चंगा मन लग पैंदे। मान लो साढ़े घर में कोई सोशल फंक्शन होए, असी शराब का सेवन करिए, बहुते करके असी शराब नूं एक नॉर्मल नशा ही मान लिया होया, जबकि टोटैलिटी विच नशे की मनाई है। तो असी उसनों जब असी सोशल स्टिग्मा मान लिया कि साढ़े घर कोई आवे एक सधारण मनुख आवे, असी सधारण नूं इतनी अहमियत नहीं देंदे जितनी कि असीं शराबी नूं देंदे हाँ। बिल्कुल। फिर बाद भी असीं ये गल भी कहिंदे हाँ, देखो जी साढ़े घर वो आया सी, उसने आके बड़ा इत्थे साढ़े घर शराब पीती, काकटेल पार्टी च होया, बड़ी रौनक लगाई। तो एक किते ना किते साढ़े उस नौजवान वर्ग नूं इंप्रैस करदा है, नशे वल प्रेरित कर प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर जी। और शुरुआती दौर भावें शराब ही पीता हुंदा है, पर आस्ता आस्ता स्टेज बाय स्टेज की हुंदा है, स्टैप बाय स्टैप वधदा वधदा वो होर नशियां वल भी प्रेरित हुंदा है। तो नशियां वल प्रेरित हुंदे हुंदे वो फिर नशियां दी उस मिट्टी विच उस गलतान उस चिकड़ भी फस जाता है, जिस तों बाहर करना उन्हों किसी स्टेज पर आके बड़ा औखा होंदा है जी। अज असीं देखते हाँ कि साढ़े समाज के भावें असीं नशेई नाल वैर करते हैं, नशेई नूं चंगा नहीं समझते, पर असल गल तो यह सी कि वैर नशे नाल करना चाहिदा सी, नशे नशेई नाल नहीं सी करना, नशेई नूं सुधारन की गल करनी सी, उहदे कारण नूं लभना सी, पर समाज ने उसनूं प्रमोट किया। और किते ना किते समाज के वो लोग इस गल ते दुखी हैं जिहड़े समाज के विच इस गल नूं प्रमोशन करते हैं। और बड़ी वारी समाजों में जो सानू कदी इहो जिहे कार्ड इहो जिहे पार्टियां कदे सानू देखण नूं मिलदियां तो बड़ा मन दुखदा भी है कि नशे दे प्रमोशन दे असीं आप लोग सहायक हुंदे हां, बाद विच असीं कदे नौजवान वर्ग नूं इह गल माड़ा कहिंदे हां। नौजवान वर्ग किसी हद तक दोषी होना है, लेकिन ज़्यादा हद तक दोषी समाज हुंदा, असीं आप हुंदे। बिल्कुल, वीर जी ने बड़े समाज की सच्चाई नूं बयान किया है कि असीं नशे नाल नफरत नहीं करते बल्कि नशे ही नाल नफरत करते हाँ, मनुख नाल नफरत करते हाँ। तो अज जरूरत है कि आप नशे नशे दे नाल नफरत करिए। वीर जी जिवें कि समाज दे विच बहुत सारिया चीज़ा वापरदिया ने, जिवें साडा घर है या फिर होर समाजिक आसपैक्ट ने, तो बहुत सारे कारण अज समाज दे विच वेखे जा सकते हैं, जिवें कि फैमिली डिस्प्यूट्स ने, साडे घरां दे लड़ाई झगड़े ने, या फिर अनइंप्लॉयमेंट, क्योंकि एक बड़ा आम जिहा ये साडे लोगों की सोच बन चुकी है कि अनइंप्लॉयमेंट एक कारण है जो नशे नूं बढ़ावा दे रहा है। बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं इसीलिए नशे की खरीद ते फरोत कर रहे हैं, या नशा लै रहे हैं या वेच रहे हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इनफेरिटी कंपलैक्स ये भी एक कारण मनिया जा सकता है नशे नूं प्रमोट करने, क्योंकि अज आपां आम देखते हाँ कि जब भी घर में पार्टियां होंदिया ने या वड्डे लैवल उत्ते कोई भी पार्टीज रखी जाती ने, उस जब नौजवान जा रहे हैं तो वह नौजवान अपने आप को सुपीरियर दसन वास्ते कि दूजिया नालों कि असं भी हाई लैवल तो बिलोंग करते हैं, तो किधर ना किधर नशे वाल जाते हैं।
ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫੈਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਫੈਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਫੈਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਨਇੰਪਲਾਈਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ STDPC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਡਰੱਗਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਂਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਚ ਵਟਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ, ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਲਵਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨੇ ਅਸੈਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਾ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਸ਼ੇਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
बिल्कुल इस विच कोई दोहराए नहीं कि नशा साड़ी विजन विच है। ये सारे कारण जो असी लभदे हाँ, ये सारे कारण बेसिकली एक्सक्यूज़ ने साडे नशा करन दे। मैं एक आर्टिकल कुछ समा पहले नशे दे उत्ते पढ़ रही सी, तो बड़े हैरानगी वाली चीज़ मैं उस विच पढ़ी कि अज तो नशे नू प्रोत्साहित करन लई उन्हां दे नाम भी रख दिते गए ने, जिवें कि शराब दे लई हुसन परी, कोकीन दे लई आपां यूज करदे हाँ उड़न परी, पोसत जो नशा है उसके लिए नशियां दा बादशाह, इस तरह के वख वख नाम रख के असी नशे नू प्रोत्साहित कर रहे हाँ। जिवें कि अज शेरो शायरी जब आप पढ़ते हाँ तो कई बार गम नू या खुशी नू जोड़न लई या उन्हां नू दर्शाउण लई नशियां दे उस उन्हां दे तहत वरतों की जा रही है। तो अगर मीडिया की गल करिए तो मीडिया के विच भी ये सच्चाई तो साडे सारयां कोलों छुपी नहीं हुई कि मीडिया राही अज नशियां नू किवें प्रोत्साहित और प्रमोट किया जा रहा है, भावें उह साडे गाने ने या फिर फिल्मां ने, हर एक चीज़ के अंदर सानू नशियां की वरतों दिखाई दे रही है। तो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने जिवें असी शेरो शायरी लिख रहे हाँ या नशियां दे वख वख नाम रख के उन्हूं प्रोत्साहित कर रहे हैं या मीडिया जो अपना रोल अदा कर रहा है, ये सारे विजन उत्ते तुहाडे की विचार ने? देखो जी, जितना महंगा नशा उतना बड़ा नाम, जितना घट महंगा नशा उतना घट नाम, उन्होंने घट नाम दिता गया। जिले भी वड्डिया घर के काके हो है ना, असल असं देखते हैं नौजवान पीढ़ी इस वाल बड़ी प्रेरित हुई है जी। और नौजवान पीढ़ी पास उन्होंने माँ बाप पास या उन्होंने एंसेस्टर प्रॉपर्टियां जहाँ कोई पैसे मिल जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वड्डे तो महंगा नशा कर लीए। जितना महंगा नशा वो करने की कोशिश करते हैं इतना वो हार्मफुल भी होंगे। अच्छ असं देखते हैं कि जिन्हें जिन्हें लोग वड्डिया घर के काके या वे समाज के लोग जिहड़े इस महंगे नशियां विच जुड़े वखरे वखरे नाम दे के जुड़े वह उन्होंने नशियां विच गलतान हो गए जी। मीडिया ने या बाकी जो सोशल मीडिया असं देखते हैं उसने भी अपने फर्ज नू नहीं पाया नहीं निभाया। उन्होंने गाणियां विच अपनियां नाचां विच या पार्टियां विच इस गल नू बड़ा प्रमोट किया और साडा अज दा नौजवान वर्ग उस चीज़ नू देख के बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है कि भाई ये नशे करन नाल बड़ा रिलीफ मिल रहा है इसनू। या उन्होंने विआह विच गया तो देखो विआह दे विच जा के देखते हैं शराब दीआं पार्टियां होंदियां तो फिर अक्सर असीं गल मीडिया भी देखी होनी है फायरिंग भी करदे है ना। हुण भावें सरकार ने कोई पाबंदी लगाई होनी है पर अज भी किते ना किते कल्चर मौजूद है। बहुत सारिया कैजुअलिटियां भी हुई घरां विच हुई, कुछ एक मिनट पहलां उह नशे विच गलतान होकर बड़ी डांस करते होंगे तो कुछ एक मिनटों बाद उन्होंने कारी मातम छा जाता है। ये तो उस मीडिया ने प्रसारित किया ना, आम लोगों ने प्रसारित नहीं किया। आम कोई कॉमन मैन गया होता बेचारा बैठा होंगे उसमें गोली लग जाती है, पिस्तौल चलती है, फिर साढ़े को हथियारों का कल्चर भी है, हथियार भी असं बड़ी उसमें प्रमोट करके करते हैं। साढ़े जितने भी अज के नौजवान पीढ़ी के लोग उन्होंने मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पैदा है। जे कभी मीडिया अपना सिंसीयर रोल अदा करता कभी नहीं सी हो सकता कि इतनी जल्दी उन्होंने प्रमोशन मिलती। हो सकता है असं इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, भावें नशियां का सेवन बड़े पर इस कदर नहीं होया जिस कदर तक समाज अज गलतान हो गया। अज तो दो दहाके पहला मैं गल कर लीए, दो तीन दहाके पहला साढ़े घर में रिवाज नहीं सी होंदा अगर किधर नशा किया भी जांदा सी या नशा करके आंदा सी उसनूं छुपाने की कोशिश की जाती सी, उसनूं बाहर जाहिर नहीं सी किया जाता या कोशिश होंदी सी जे कोई शराब पी के आ जाए या कोई नशा करके आ जाए तो हो सकता असीं उहदे मां बाप नूं भी बुरा कहिंदे सां। पर अज दे दिन देख लो तुसीं दो तीन दहाकियां की गल हो जाणी है। इन्हें दो तीन दहाक्यां विच की होया कि नशा पीने वाला असीं बड़ा वड्डा आदमी गिणदे आ, इह समाज की गलती सी ना, उसने मीडिया ने गलत दिखाई सानू। जिहड़े सोशल मीडिया से नैशनल मीडिया से आम मीडिया से गल देखण नूं मिलती है तो सारा नौजवान उस गल नूं बड़ा ठीक समझदा है क्योंकि नौजवान की एक स्टेज होंदी है, उस स्टेज पर आके वह किसी माड़े और चंगे का पहचान नहीं कर सकता, बड़ी जल्दी वह प्रभावित हो जाता है इस तों। देखो ना आम करके असीं देख लीए, असीं अगर कितने बाजार के भी नुक्कड़ते बैठे लोग ताश खेलते हैं तुम दस दिन जाके उन्होंने को बैठो तुम ताश खेलनी सीख जाओ है ना, सीप सीख जाओगे फिर फ्रैश खेलनी सीख जाओगे बड़ी जल्दी तो असं उस वाल इंप्रैस हो जाओगे। तो फिर आज तुम दो साल गुरुद्वारे जाओ, दो साल मंदिर जाओ, दो साल मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ना वो नहीं सीखेगा, मंदिर भी घंटी खड़काना नहीं सीखेगा, गुरुद्वारे भी पाठ नहीं सीखेगा। यदा असर जल्दी बड़ी देर ना होंगे तो वह असर बड़ी जल्दी हो जाता है। इस तरह नशिया वाल जिस वे भी मीडिया दिखाया सोशल तो असं देखिया या समाज में देखिया कि उसनों लोग बड़ा चंगा गिणते हैं, समाज में चंगा गिणिया ना उसनों कि उसनों असं वड्डा आदमी है जी नशा करता है ना, वो एक बड़ा वड्डा लेवल है कि वड्डा आदमी है उसके कोल पैसे बड़े तो नौजवान इस वाल प्रेरित हो गया। असी अपने अपने फर्जा तो कासर रहे,
पर अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह नहीं निभाया तो पर अज असीं दोष देने उन्होंने नौजवानों देने जो नशे हो जाए उन्होंने नशियां इस तो दूर करने उन्होंने समझाने की लोड़ है जी। कि भाई ये नशे काम काज का तरीका ठीक होना चाहिए। गुरु साहब ने पाबंदी लगाई है सिख ते या सिख समाज ते पैसे कमाने की पाबंदी नहीं है, पाबंदी माड़े और चंगे काम की भाई माड़े तो हटना है तो नेक कमाई वाल जुड़ना है तो नैचुरल जो आदमी नेक कमाई वाल जुड़े हो इन शोशेबाजियों नहीं पैंता ना ही समाज दलों तो प्रभावित होंगे। तो अगर ये गल की जाए तो बड़ा जरूरी है कि समाज साडा इस बड़ा संयम रहेगा और एक चंगे समाज की सिरजना कर सकेंगे जी। बिल्कुल वीर जी ने बड़े सोहने अल्फाजा राही सानू समझाया कि अज नशा साडे विजन दे विच है, अज असी हर पासे एक्सक्यूज लभ रहे हाँ। अगर असी मीडिया की गल करिए हर चीज़ के दो आस्पैक्ट होंगे ने, एक माड़ा तो एक चंगा। अज मीडिया राही अगर नशे नू प्रमोट किया गया है तो मीडिया ही उस नू खत्म कर सकता है, पर मीडिया नू चाहिए है कि वह अपने फर्जा नू सही ढंग नाल पहचान के अपने फर्जा की असल मायने विच पूर्ति करे। और सानू भी चाहिए है कि असी चंगीआं चीज़ां वल प्रेरित होइए, जिवें कि आप जी ने गुरबाणी की गल की कि गुरबाणी पुरजोर निंदा करती है नशियां की, क्योंकि गुरबाणी गुरबाणी अंदर असी हर जगह गुरु पातशाह समझा रहे हैं जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुरते पाही जियो, कि असी आए अमृत सिंचन वास्ते, साडे जीवन का मकसद ही अमृत सिंचना है। अमृत सिंचो भरो क्यारे तो मालिके हो, कि असी जीवन के हर क्यारे नू अमृत दे नाल भरना है, क्योंकि साडे जीवन का असल मकसद अमृत ही है और अमृत लैन वास्ते ही असी संसार अंदर आए हाँ। पर अज असी नशियां दे विच फस के अपने जीवन नू कुराहे पा रहे हाँ। गुरबाणी के आधार पर किवें इस गल नू तुसी स्पष्ट करते हो कि गुरबाणी के अंदर हर एक नशे तो वरज्या गया है? जी बिल्कुल, गुरबाणी ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने नशे की पुरजोर निंदा की थी। जी उहदे नाल नाल गुरबाणी ने सानू एक आल्टरनेट दिता, वो बड़ा अच्छा आल्टर गुरु नानक साहब का असीं सवेरे पढ़ते हैं। वो आल्टरनेट की सी भाई नशा कि करना है, एक गल समझाई जी जी। नशे की गल अगर देखो ना गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़िए, जे कभी एक गल नू गुरु ग्रंथ साहब ने खंडन किया तो नाल ही सोल्यूशन भी देता है। बिल्कुल, तो सोल्यूशन देने के लिए बड़ी सोहनी गल गुरु नानक साहब की असीं पढ़ते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता कर करनी कस पाई जी। भाई हुण असीं अपने उस ज्ञान नू उस सोमे नू वरतना है। देखो ना संसार का कोई भी मनुख लो भावें वह किसी भी धर्म नू मनदा होवे, हिंदुस्तान च बैठा होवे वैस्टर्न कंट्री च बैठा होवे, शरीर की बनतर सारिआं दी इको जी जी। उहदे विच की उहदे विच ज्ञान प्रभु ने एक बख्शिया है, अंदर हर एक मनुख दे विच बख्शिया है। यह नहीं है कि अज मेरे विच कोई पार्ट्स काटन दे वैस्टर्न दे लोकां विच ज़्यादा सारे इको जी, पर जे वह चंगा आचरण बढ़ावे उस ज्ञान नू बढ़ावे ध्यान लावे उस प्रभु परमात्मा के गुणों में उन्होंने गुणों में सिरजे तो योजा नशा करे। पर मनुख योजे नशे भी नहीं जाता ना, हम गुरु नानक साहब की गल तो उसनों यह मननी चंकी नहीं लगती, वो अपने करैक्टर डगा, वो अपने ज्ञान तो सखना होंगे, वो अपने बाकी के जितने भी मनुखता के काम उन्होंने तो दूर होंगे। तो एक बड़ा सस्ता काम लभ लगा नशा, नशा उसमें सस्ता लगता है, बड़ा चंगा लगता है, सस्ता लगता है और कुछ एक मिनटा ले या सकिंटा ले या दिना ले नल बड़ा आसान भी लगता है, बड़ा आसान लगता है, इजली अप्रोच लगती है, पैसे लेते खेल दिया। हुण मान लो करैक्टर नूं उच्चा करना हो बड़ी वड्डी गल सी है ना, चंगे करैक्टर की बनतर बनानी हो उसके लिए कोई भी धर्म ग्रंथ भावें साडा होवे भावें किसी होर धर्म का होवे इस गल की वकालत नहीं करता कि तुसीं अपने करैक्टर नूं खराब करो जी। कोई भी धर्म ग्रंथ इस गल की वकालत नहीं करता कि तुसीं प्रभु परमात्मा में ध्यान ना लगाओ या उहदे गुणों नूं अपने हिरदे घर विच ना सिरजो। पर उसनों ये गल्लां चंगीआं नहीं लगियां, ज्ञान नूं हासिल करना करैक्टर नूं उच्चा करना या उहदे अपनी करमी विच उसनों लैके आना ये औखा काम सी, इसनों औखा करना मनुख दी हमेशा तो आदत रही है, वह सौखे वल जल्दी प्रेरित होंदे भावें मनुखी शरीर होवे ते भावें मनुख वैसा होवे, उस सौखे काम वल जल्दी प्रेरित होंदा। ते सौखा काम की सी, जेब विच पैसे हैं ते ईजली अवेलेबिलिटी नशे दी उह गिआ। तुसीं देखो ना अज बसों उपर लिखिआ आंदा है जी कि गुटका खाओ, भाई एक सरकारां नूं बहुत बड़ा रेवन्यू मिलता है, इस सरकारां भी कितना ना कितना भी दोषी होंदियां कि भाई जल्दी सानू रेवन्यू मिलने का एक तरीका है। बहुत सारा अज तो तीन एक दहाके पहला जदों अंग्रेज सरकार ने काम शुरू किया नशियां की फरोखत शुरू की या शराब की इंट्रोडक्शन करवाई, तो पहले साल असीं मैं पढ़ रहा सा एक दिन आर्टिकल लिखे और उस पूरे पंजाब के सिर्फ 10 लाख रुपए इनकम हुई एक साल के रेवन्यू जी।
अंग्रेज सरकार नू गया वाले 77 साल ही होए ने ते अज साडी जो इनकम 10 लाख करोड़ रुपए तो ज्यादा हो सरकारां ते चाहुंदियां कि सानू पैसे मिलने चाहिए और शराब या बाकी नशा कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए लोग खेल लैन जितना मर्जी महंगा कर ये सोल्यूशन नहीं सी इहदा कि इहनू महंगा कर दईए ते लोग ही नहीं खरीदणगे ना ये सोल्यूशन नहीं सी सोल्यूशन ये सी कि उन्होंने चंगे गुणों पर प्रेरित किया जाता हर एक धर्म के लोग जिहड़े जिहड़े भी अपने धर्म में हैं उन्होंने ये फर्ज बनता सी और खास करके जिहड़े प्रचारक इन्हां जुड़े हो उन्होंने ये फर्ज बनता है कि वह इन्होंने नशियां नू कैंपा राही पब्लिक मोडैलिटी राही नुकड़ा राही इसकी गल उन्होंने दुरउपयोग की गल समझाई जाती कि भाई तुहाड़ी सेहत ते तुहाड़ी आने वाली जनरेशन ते ये फर्क पेगा इस नू सेवन करना बिल्कुल गलत है तो जे ये गल्लां समझाईआं जाण सारे असीं अपने लोग फर्ज पूरे कर दे ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा साडे पास बहुत बड़ा आधार सी जे इस आधार नू मेरा ख्याल कोई भी समाज जावे उसनू अगर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी गल समझाई जावे तो कोई भी समाज इस नू मनन तो इनकार नहीं करेगा क्योंकि चंगी गल समझाणी है मनुखता दे भले दी गल है और वैसे भी सिख समाज या जिहड़ा साडा सरूप है ये सब तो वड्डा मनुखता दा लंबड़दार है जी। अगर ये गल समाज में समझाता कि भाई मनुखता की लंबड़दारी करने वेले गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है तो शायद किसी भी समाज का आदमी होंगे भावें वह सिख हों या ना हों लेकिन नशे वाल प्रेरित नहीं हो सकता ये साड़ी भी कितने कमजोरी रही प्रचारक तबके की भी कमजोरी रही बाकी लोगों की भी कमजोरी रही और समाज ने तो इस गल नूं अणगौला किया तो अज असीं देखते हैं नशियां की गलतान में तकरीबन खाली सिख समाज के लोग ही नहीं असीं भावें सिख चिंतक हाँ ये सानू सिख समाज नाल बड़ा ज़्यादा चिंतित रहिंदे आ पर हर एक समाज के लोग इस गल विच मुलव्वस होए पे और इस गल तो दुखी हैं कि नशे की गलतान बहुत ज़्यादा वध गई भावें वह किसी समाज के लोग क्यों ना जी। अमृत का व्यापारी होवे क्या मत छूछै भाव तरै गुरु नानक पातशाह ने जोगियों नू समझाया क्योंकि जोगी उस समय शराब का नशा करते सन वो इस नू धर्म दे नाल जोड़ के वेखते सन कि शराब के नशे दे नाल उन्हां दे दसम द्वार खुल जाते हैं तो उन्हां दा मेल जो है परमात्मा दे नाल हुंदा है। गुरु साहब ने उन्हां नू समझाया कि ऐसी कोई चीज़ चंगी नहीं जो मनुखता दे भले लई ना हो चीज़ां मनुखता दे लई घातक ने ते इन्हां दा सेवन करना धर्म दे नां उत्ते गलत गल है। जेकर असी सिख कौम की ही गल करिए तो सिख कौम के अंदर बहुत सारिया बुराइयां अज साडे घरां दीआं दहलीज़ नूं पार करके अंदर तक आ चुकी ने भावें वह साडे फैमिली डिस्प्यूट्स ने या होर कई आसपैक्ट्स ने। सिख कौम एक ऐसी कौम रही है जिसने बहुत छोटे जे समय के अंदर ऐसा इतिहास रचिया जिस नूं पढ़ के दुनिया अशश कर उठी। अगर असी वख वख धर्मां नूं वेखिए तां सब तों बहुगिनती धर्म जो है संसार के अंदर वो ईसाई धर्म है जो 2000 साल पहला आया फिर उसके बाद इस्लाम है जो 1400 साल पहले आया और उसके बाद तीजे नंबर पर आता है हिंदू धर्म जिसकी भावें कोई डेट मुनक्कर नहीं है। फिर सब तो बहुगिनती धर्म असं यहूदी धर्म मान लेंगे हाँ तो उस तो भी घट जो धर्म है जो तादाद विच जो धर्म है वह है सिख धर्म। तो अगर असी वर्ल्ड लैवल उत्ते गल करिए 0.39% है सिख धर्म की टोटल वर्ल्ड पापूलेशन है तो भारत के अंदर अगर वेखिए तो पूरी 2% भी नहीं आप कहें तो हाँ 2% पर 1.72% आबादी के नाल सिख समाज इतने रह रहा है। पर हर जगह जो सिख ने भावें वह देशों विच ने या विदेशों विच रह रहे ने हर जगह वह चढ़दी कला विच रहे ने घट गिनती होने के बावजूद भी तुहानू की लगता है कि हुण जिहड़ियां ये बुराइयां आ चुकियां ने असीं नशियां की गल कर रहे हैं इसलिए मैं नशे के उत्ते ही जोर दे के गल करांगी कि नशे वर्गी जो बुराइयां साडे घरां तक आ चुकियां ने इस दे कारण सिक्खी दे ग्राफ विच कितनी को घाट आई है। देखो सिक्खी दे ग्राफ दी जो चढ़दी कला सानू उस अकाल प्रभु परमात्मा ने बख्शी जी उह सिक्ख दी आज भी बरकरार है इस विच कोई शक वाली गल नहीं भावें उह कोई भी खेतर होवे सेवा दा होवे किसी मनुखता की मदद का हो या मनुखता के होर किसी कारण सिख ने जूझना हो चढ़ती कला पूरी बरकरार है जी बिल्कुल हाँ ये कोई शक नहीं तुहाड़ा सवाल बिल्कुल ठीक है कि साढ़े ग्राफ में कुछ कमी है सिखी दे प्रभाव नहीं पै सकिया साढ़े ग्राफ में उजा वाधा नहीं आ सकिया जो जहाँ वाधा आना चाहिए जी। पर जे असी समाज के बाकी लोगों वाल झात मारते हैं बाकी धर्मों वाल झात मारते हैं तो ग्राफ तो उन्होंने भी नहीं जब
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਆਇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਸਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਪੁਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇਲ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਾਲਵ ਜਿਤਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇਈ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਸ਼ੇਈ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਐਬੋਰਿਜਿਨਸ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਦ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WHO ਹੈ, FAO ਹੈ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਈਏ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਵਟਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਲਟ ਅਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੂਮੈਨ ਫੋਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਫੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਪ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਪੈਥੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਮਪੈਥੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਾਕਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਹੀਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, 84,00,000 ਜੂਨ ਭਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ,
इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाए। देखो वीरो, इस संसार दे विच सब तो ज्यादा उत्तम जून अगर मनी गई वो मनी गई मनुख दी। बिल्कुल, इस मनुखी जून तो जिस तरह पहले मैं बेनती की थी, इहदे विच जिंदगी दे जन्म तो लैके मरण तक का जो सफर मिले इसको जीवन कहा गया। इस जीवन को आनंदमय तरीके नाल जीन की कोशिश करो और आनंदमय तरीके का जीवन जीवना वो केवल तो केवल यह हो सकता है कि तुसी नशा रहत होकर जीवो। इस वल प्रेरित होकर देखो, इस जीवन में आके देखो, जिहड़े नशे विच गलतान लोग होना एक बारी इस जीवन में आके देखो कि इस जीवन में जीवन का कितना मजा है। और इस जीवन में जीते हुए जो असं 84 लाख जूनों की गल करते हैं, भावें पैमाना लिया गया, उन्होंने तो सब तो उत्तम जून मनुख दी जे ये मुड़ के बार बार नहीं मिलती, इसको अजा ही ना गुजारो। इस कोई ना कोई मनुखी मनोरथ पूरा करो और मनुखी मनोरथ को पूरा करते हुए तुम जो मनुखों के फर्जा पूरा करोगे तो तुम उस प्रभु की दर से भी कबूल होवोगे। यही मेरा सारे उन्होंने संदेश है। वो किसी भी किस्म के नशे में अगर जुड़े हो या उन्होंने सुनने में कोई जुड़िया हो, उन्होंने फर्ज बनता है कि अपना अवलीन फर्ज यह समझन कि उन्होंने इस गलतान चो बाहर कढ़न दे लई जो तुहाड़ा योगदान बनता है उसनु पाओ, उसनु अपना बच्चा समझो, अपनी बेटी समझो, अपना जिगर टोटा समझो, ताकि वह इस गलतान चो बाहर निकल सके ते एक चंगे समाज की सिरजना कर सके। जी, एक इंसान नाल बहुत सारे रिश्ते जुड़े होंदे ने, कई बार उन्हां रिश्तियां दे अंदर भी मुश्किलातां आ जांदियां ने। जेकर एक इंसान नशियां दी खूह विच डिग्गिया पिया है, कई बार अस बच्चियां दा भविख जो है वह अंधेरे की तरफ चला जांदा है। बड़े होनहार बच्चे पिता दे नशियां कारण उभर नहीं पाते, अपने भविख नूं वह किधर ना किधर अंधेरे दे विच गुम कर लैते ने। ते अज आप सारे नूं यही बेनती है कि अगर असी नशे कर रहे हाँ तो वीर जी ने पहले ही इस गल का जवाब दिता कि नथिंग इज़ इम्पॉसीबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसीबल नहीं है, पॉसीबल की जा सकती है। मुश्किलात आदियां ने, पर उन्होंने मुश्किलात लड़ के असी सक्सैस की तरफ जा सकते हाँ। इसलिए जिथे असी अपने आप नू, अपने जीवन नू सही ढंग तोरना है, उत्थे समाज ले भी अपने फर्जा नू समझना है। हर एक इंसान अपने फर्जा नू समझे, अपने फर्जा की पूर्ति करे, भावें वह इकला है या फिर उसका किसी समाजिक जथेबंदी दे नाल नाता है, हर एक चीज़ नू समझे ते नाल ही गुरबाणी का ओट आसरा लेके गुरु की विचारधारा नाल जुड़े ते हर रोज़ अरदास करिए जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। वीर जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समा कढ के साडे प्रोग्राम दे विच आए ते इस विषय उत्ते खुल के विचार साडे स्रोतियां दे सामने रखियां। आप तो भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप जी ने समा बख्शिया मैं आप जी नाल विचार सांझे कर सकिया। जी, अगली बार एक होर मुद्दे उत्ते नवी शख्सियत दे नाल आप जी दे रूबरू होवांगे। दियो इजाजत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।